डोईवाला में जल्द ही लेखक गांव बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि देश विदेश के लेखकों के लिए पूरी व्यवस्थाओं से लैस होगा। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर इस लेखक गांव में दर्जन देशों के लेखक और कवियों ने हिस्सा लिया और हिंदी के महत्व को समझाया है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह लेखक गांव जल्द ही पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा, जिसमें लेखकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह देश विदेश के लेखक साहित्यकार आकर अध्ययन कर सकते हैं। इस गांव का उद्देश्य है कि लेखक अपना पूरा जीवन लेखनी में बिता देते हैं, जिसके बाद कई लेखकों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में परिवार भी उनका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे लेखक यहां आकर अपनी रचनाएं लिख सकते हैं, जहां उन्हें रहने और खाने की सुविधा मिल सकेगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। लेखक ग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहा था कि ये हमारा अपना ग्राम है, अपने गाँव में, अपने देश में एक हमारा अपना घर हो गया, जहाँ हम अपने विचार, अपनी सृजन, अपनी रचनाएं कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने देश के लिए, अपने इस प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर के समेट करके, इस देश के सौंदर्य को लेकर के हम विदेशों तक जा सकते हैं। और लेखक ग्राम की संकल्पना एक बहुत असाधारण संकल्पना है और ये भारत में अपने आप में पहली संकल्पना है, और इसके माध्यम से भारत के और जो प्रवासी लेखक हैं उन सबको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर उनकी रचनात्मकता को उर्वर होगी और एक असाधारण उपलब्धि इस रूप में आएगी कि उनका लेखन और लेखक की आजीविका भी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो फिर जीवन के अंतिम क्षण में बहुत परेशानी में रहते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लेखन को समर्पित किया हो, यदि ऐसे श्रेष्ठ लेखकों को जरूरत हो तो अपने जीवन के अंतिम क्षण ये इस लेखक गाँव में आकर के वो स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक बिता सकें और नई पीढ़ी